नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में आपका स्वागत है। आज मैं रिव्यू करूंगा हीरो इलेक्ट्रिक की तरफ से आने वाली अट्रिया का ये एलएक्स मॉडल है। आइए आपको दिखाते हैं कि इस मॉडल में आपको क्या क्या मिलता है, क्या इसका दाम है, ये देखने में कैसी लगती है और क्या क्या इसमें आपको फीचर्स मिल जाते हैं। तो आइए सबसे पहले इसका डिज़ाइन को देखते हैं। तो डिज़ाइन काफ़ी बेहतर आपको देखने में लगेगी, बिल्कुल एक नॉर्मल स्कूटर जैसी ये दिखाई देती है। खास बात इसकी ये है कि इसमें आपको बड़े टायर्स मिलते हैं जो कि 12 इंच के हैं, तो जब भी आप इसको चलाइएगा तो 10 इंच वाले से ज़्यादा बेहतर आपको परफॉर्मेंस और फील देगी। जो कि पीछे में भी आप देख रहे हैं कि इसमें 12 इंच का ट्यूबलेस टायर लगाया गया है, अलॉय व्हील का भी साइज यहाँ पर बड़ा रखा गया है। तो अट्रिया में ये खासियत हो जाती है अगर आप इसको लेते हैं तो। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की और खासियत ये है कि इसमें आपको एक बड़ा स्पेस भी मिल जाता है पैर रखने के लिए। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको देखने को मिलता है और सीट भी दो लोगों के लिए यहाँ पे कंफर्टेबल मिल जाता है। आइए अब एक एक करके हर एक पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं कि हर जगह पे यहाँ पे क्या ऑफ़र किए जाते हैं। तो हैंडल्स में यहाँ पे कुछ इस तरह से लाइटिंग्स दिखाई देंगे। इंडिकेटर्स अगर हम ऑन करते हैं तो यहाँ पे इस तरह से दिखती है। हेडलैम्प यहाँ पे आपको LED में मिल जाएगी जो कि काफ़ी ज़्यादा और वाइड फैली हुई दिखती है। आप देख रहे होंगे कि कैमरा भी काफ़ी ज़्यादा फोकस डिफोकस कर रहा है इसके हेडलैम्प के सामने। उसके बाद हम नीचे देख लेते हैं तो आपको एक तो सबसे पहले ये मैट कलर में आती है, तो कलर भी आप देख रहे होंगे कि मैट टाइप का कितना अच्छा लग रहा है। एक ग्लॉसी कलर होता है जैसे कि हमारे पास ये है, ये चमकदार कलर, ये एक मैट कलर हो जाता है। तो मैट कलर थोड़ा सा डिफरेंट दिखता है अगर हम बात करें तो। 12 इंच के इसमें अलॉय व्हील आपको मिलेगा। डिज़ाइन आप देख सकते हैं, हीरो की ब्रांडिंग यहाँ पर देख सकते हैं और ट्यूबलेस टायर और 12 इंच के जो ये टायर्स हैं वो आपको काफ़ी अच्छा ग्रिप देते हैं आपकी राइडिंग कंफर्ट में। हीरो इलेक्ट्रिक की ब्रांडिंग यहाँ भी आपको मिल जाएगी। बाकी अगर हम इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखें तो कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे नीचे कुछ जगह रखने को सामान दे दिया गया है। यहाँ पे आप मोबाइल चार्ज करना चाहते हैं तो उसे कर सकते हैं और यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट दिखाई दे देता है। हम नीचे में देखें तो काफ़ी अच्छा इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, तो ज़मीन से गाड़ी कम टकराए उसके लिए खास ध्यान रखा गया है। साइड स्टैंड, सेंटर स्टैंड, ये सारी चीज़ें ऑफ़र की जाती हैं। आइए हम इसका बैटरी दिखाते हैं आपको कि इसमें आपको बैटरी कैसी मिल जाती है। तो बैटरी के लिए आपको यहाँ पे की निकाल के यहाँ से अंडर सीट स्टोरेज ओपन करके देखना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम चार्जर देख सकते हैं, चार्जर रखा हुआ है यहाँ पे, ये खोल के हम बैटरी इसमें से निकाल सकते हैं। तो अच्छा खासा कवर दिया गया है। बैटरी इस तरह से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बस दिखा दे रहा हूँ आपको कि ये 51 वोल्ट 30 एम्पियर की बैटरी है और ये हीरो इलेक्ट्रिक की तरफ से ही आती है। ऐसे निकाल के भी हम दिखा देते हैं आपको, इस तरह से निकाला जा सकता है अगर आप घर ले जाके इसको चार्ज करना चाहते हैं। इन केस तो इस तरह से इसको डिसकनेक्ट करिए और ये बैटरी इस तरह से बाहर निकल जाती है। बैटरी आप देख सकते हैं हीरो इलेक्ट्रिक, इस तरह से लिथियम आयन बैटरी आपको यहाँ पर मिलती है। चलिए बैटरी को हम वापस लगा देते हैं। चार्जर कुछ ऐसा आपको देखने को इसमें मिल जाता है जो हम निकाल के आपको दिखाते हैं। ये हमारा चार्जर हो गया जो कि बैटरी को 3 से 4 घंटे में फुल चार्ज कर देती है अगर आपका बैटरी डिस्चार्ज है ज़्यादा तो। और यहाँ पे हम देख सकते हैं इसमें 250 वाट का आपको मोटर मिल जाता है और ये स्पीड कितना देता है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। बाकी आप देख सकते हैं ये सब वाटरप्रूफ होता है, इस पर वारंटीज़ भी मिलती है, तो जब भी आप परचेज़ करने जाएँ उस समय कितना वारंटी इस पर मिलता है आप ज़रूर उस समय जानकारी ले लें। बाकी पीछे का डिज़ाइन कुछ इस तरह का इसमें देखने को मिल जाएगा। चलिए इसका स्पीड मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितने स्पीड में चलती है, क्योंकि ये एक एलेक्स स्कूटर है, अट्रिया एलेक्स, तो ये एक लो स्पीड स्कूटर है तो इसका स्पीड थोड़ा सा कम होता है अगर आप हाई स्पीड के मुकाबले बात करेंगे तो। तो यहाँ पर हम इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद इसके हैंडल में कुछ और भी फीचर्स है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो पहले मैं यहाँ पर स्पीड आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको 27 का स्पीड मिल पाता है और अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्कूटर इसी स्पीड पर लॉक रहे, आप लगातार इस तरह से जो है एक्सीलेटर ना ले रहे हैं, तो यहाँ पे एक बटन आता है, इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ हमारी स्पीड जो है वो लॉक हो जाती है। तो वो 27 पे ही चलती रहेगी अगर आप एक्सीलेटर लें या ना लें। फिर एक बार इस तरह से अगर टच करते हैं तो फिर ये यहाँ पर मतलब कम हो जाएगी स्पीड आपकी, जो है वो डिसकनेक्ट हो जाएगा या फिर आप ब्रेक लेते हैं तो उस कंडीशंस में हो जाता है। अब ये बैटरी आपको माइलेज कितना देगी, तो लगभग 60 से 70 के आसपास का माइलेज देती है, 4 से 5 घंटा, 3 से 4 घंटा जो भी चार्जिंग टाइम लगे 0 to full charge होने में। बाकी इसकी सीट हाइट की बात करें तो मैं किसी को बोलता हूँ जो कि बैठ के दिखाएंगे आपको, तो आप अगर 5 फीट के हैं भी तो भी आप इसको आराम से चला सकते हैं। 5 फीट के हाइट से कोई भी इसको आराम से चला सकता है, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। तो ये तो हाइट ज़्यादा है,
फिर भी मैं आपको मिनिमम हाइट भी बता दे रहा हूँ कि उतना से कोई भी इसको आराम से चला सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। इसके प्राइस की हम बात करें तो 70,200 रुपये में ये आ जाती है ऑन रोड। तो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो 70,000 रुपये के आसपास में आप इसको ख़रीद सकते हैं। 60 से 70 का माइलेज है, आपको पावर जो है वो नॉर्मल मिलता है इसमें, क्योंकि ये LX वेरियंट है, और इसमें आपको माइलेज जो है ठीक ठाक मिल ही जाता है। चार्जिंग टाइम आपको 3 से 4 घंटे जो भी आपको लगे। अब क्योंकि ये एक लो स्पीड स्कूटर है तो अगर आप इसको चलाते हैं तो इसमें आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता है, तो रजिस्ट्रेशन के चार्जेस आपके बच जाते हैं। आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के भी इसको चला सकते हैं, और इंश्योरेंस भी अगर आप चाहें तो करा सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं भी करा सकते हैं, तो दोनों ही ऑप्शन आपके पास होता है। तो बिना रजिस्ट्रेशन वाले के साथ फ़ायदा क्या होता है कि घर में कोई भी इसको आराम से चला सकते हैं, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो या ना हो वो इसको चला सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है एक लो स्पीड वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर का। तो ये हीरो इलेक्ट्रिक की तरफ से अट्रिया LX, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ आपको 3 साल की वारंटी मिल जाती है, और वो वारंटी जो है वो सभी पार्ट्स पे ऑलमोस्ट इसको मिल जाती है। आप चाहे बैटरी हो, कंट्रोलर हो, मोटर हो, चार्जर हो, सभी पे आपको 3 साल की इस पे वारंटी मिल जाती है। तो जब भी आप परचेस करने जाते हैं तो आपके लिए बेनिफिट की चीज़ है, तो वहाँ पे भी आप कंफर्म कर लें। और यहाँ पे ये ऑफ़र आपको दिया जा रहा है तो 3 साल के लिए लगभग आपको ये निश्चिंत करने की कोशिश करती है अगर आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद रहे हैं। तो यही थी हमारी हीरो इलेक्ट्रिक की अट्रिया की रिव्यू। बाय बाय।